गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किए, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 12 तक देख चुके। कोई फंक्शन है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार जो डिफरेंशिएशन होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, जिसका सिंबल dy by dx या y1 या y dash। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म बचा उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। फिर जो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ तो आपको इतना प्रूफ करना है। इस टर्म में देखिए कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, सेकेंड ऑर्डर, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा डायरेक्ट प्रूफ हो जाता तो अच्छी बात, नहीं तो लेफ्ट में पुट कीजिए, राइट आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका गिवन दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसका वैल्यू निकला डी वाई बाई डी एक्स का। कल हम आपको बताए थे कि कभी भी मैक्सिमम टर्म में अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर बटा में टर्म आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर टर्म बटा में आता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और अगर रूट में आता तो स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बटा में भी दिख रहा है और रूट में भी दिख रहा है, बटा भी दिख रहा है रूट भी दिख रहा है। पहले रूट हटाइए, तो रूट का हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर वन, और स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा। उसके बाद देखिए बटा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, एक रिलेशन आ गया। लेकिन आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे अभी तक क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये गुणा में, तो प्रोडक्ट पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दिए दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए पहला को छोड़ दिया दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर बाहर आएगा उसके पावर में एक कम होगा, डी वाई बाई डी एक्स का पावर एक कम था टू माइनस में वन, पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम किया, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर उसके अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर में एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट करने के लिए पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम, और फिर उसके अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट की, तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसको एक बार और कीजिएगा दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस दूसरा को छोड़ के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, वन का डिफरेंशिएशन क्या जीरो, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स इक्वल टू कितना होगा जीरो, राइट साइड में वन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखिए इसको अरेंज करके लिखिए, वन माइनस में एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका माइनस में टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है टू डी वाई बाई डी एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ये टू डी वाई डी एक्स कॉमन आ चुका है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां से टू और यहां से दो को था एक कॉमन ले लिया, एक बच गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। टू जीरो नहीं हो सकता, डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो नहीं है, तो उधर इसको उधर कर दीजिए, वन माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो बाई समथिंग, तो जीरो बटा समथिंग जीरो, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन माइनस में टू इक्वल टू जीरो, इतना प्रूव करना है। देखिए ये y2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर है। तो सबसे पहले आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर डायरेक्ट आ जाता है रिलेशन तो ट्रू है, और नहीं तो लेफ्ट साइड में सबका वैल्यू रखिए, y2 का वैल्यू यहाँ पे, y1 का वैल्यू यहाँ पे, कैलकुलेट कीजिए, आपका राइट साइड आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, चेन रूल। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, पावर, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो पावर का रूल क्या है, डिफ्रेंसिएशन का पावर को बाहर कीजिए, उसके पावर में एक कम कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स का पावर एक कम हो जाएगा, तो दो में एक कम हो जाएगा एक बचेगा, ये तो पावर का डिफ्रेंसिएशन, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बताएं कि अगर कभी भी एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद रूट में आता स्क्वायर कर लीजिए, बट्टे में आता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे अभी है फर्स्ट ऑर्डर, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, एक बार और, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरे को छोड़ के अब पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू टू, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इसके साथ पूरे के साथ गुना कीजिए, तो इसका गुना अगर इसके साथ हो जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुना इसके साथ, तो टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू, अगर टू को इधर लाते टू उधर है प्लस का, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वाई इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये वाई का वैल्यू दे दिया, और आपको यहाँ पे देखिए डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, आपको चार बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो उसी को आगे बढ़ा दे जाना, चार बार क्या सौ बार भी देगा तो आराम से कर सकते हैं। तो वाई इक्वल टू इतना हो गया, देखिए सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा यहाँ कॉस एक्स बचेगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट, साइन का कॉस कॉस का माइनस साइन, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट, दोनों में ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस से गुना कीजिएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दो बार निकला, अभी दो बार और डिफ्रेंशिएट करना है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो टू कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का कॉस फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ कॉस एक्स है यहाँ पे माइनस साइन एक्स, फिर से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, टू कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट, तो कॉस का माइनस साइन साइन का कॉस, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब माइनस से गुना होगा तो माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस और माइनस कॉस माइनस टू कॉस एक्स,
ए टू इंटू टू माइनस फोर ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और बताइए ए आपका e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं y, इस प्रकार से माइनस फोर वाई, तो उधर माइनस फोर वाई इधर आ जाएगा, तो प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 17, ए टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन गया, तो आपको प्रूव करना है कि डी ए स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तीन से चार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किए, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, ई टू दी पावर वाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वन का जीरो, अब प्लस एक्स प्लस वन ई टू दी पावर वाई का क्या होगा, ई टू दी पावर वाई और फिर y का क्या होगा, e का डिफरेंशिएशन e और फिर y का dy by dx इक्वल टू कितना जीरो, इसको उधर ले जाइए x प्लस वन ई टू दी पावर y dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो वन है, ये प्लस का उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर y, e टू दी पावर y से e टू दी पावर y कैंसिल, x प्लस वन dy by dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन, तो dy by dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये हुआ मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए, अगर माइनस आप छोड़ देते क्या बच रहा वन बाई एक्स के फॉर्मेट का, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, समझिए ये क्या है, माइनस को छोड़ देते तो वन बाई एक्स है और वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का क्या होगा, ये तो वन बाई एक्स का होगा, फिर एक्स का क्या होगा वन और वन का क्या होगा जीरो, ये वन प्लस जीरो, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया माइनस और माइनस प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन। अब इसको अरेंज करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बोलेगा कैसे सोचिए, थोड़ा सा अरेंज करना है, ये वन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस वन लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको अगर कीजिएगा माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो इसी रिजल्ट को इस प्रकार से अरेंज करके लिखा गया, क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब सोचिए माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन को क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, इस प्रकार से डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वन बाई एक्स प्लस वन के स्थान पर डी वाई बाय डी एक्स लिख दीजिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इसके स्थान पर लिखा गया लेकिन स्क्वायर था प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और आपको इतना कुछ प्रूव करना है, ये सेम प्रॉब्लम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 सेम प्रॉब्लम है, y इक्वल टू यहाँ पे a tan इनवर्स x भी रह सकता है, y इक्वल टू a e टू दी पावर a sin इनवर्स x भी रह सकता है, सेम टाइप का प्रूव है। तो देखिए स्टेप को समझते हैं, यहाँ पे क्या है वाई टू और यहाँ वाई वन, वाई टू का मतलब क्या होगा दो बार डिफरेंशिएशन, तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए dy by dx डिफरेंशिएट कीजिए, तो d e टू दी पावर a cos इनवर्स x by dx, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले क्या देखा e, सबसे पहले क्या दिख रहा है e, और e का डिफरेंशिएशन e, a cos इनवर्स x e कैंसिल, फिर बच गया क्या a cos इनवर्स x, a कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, और cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए ई टू दी पावर a cos इनवर्स x बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और e टू दी पावर a cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं y,
इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया गया y। अभी बताए रूट में आता है तो स्क्वायर कर लेना, और बटे में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे दोनों है, तो सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करने के बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको चाहिए सेकेंड डेरेवेटिव, लेकिन अभी तक मिला क्या, फर्स्ट डेरेवेटिव। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो दूसरा में सबसे पहले पावर, तब टू डी वाई बाई डी एक्स, पावर को बाहर कीजिए, उसके पावर में एक कम, एक पावर का डिफ्रेंसिएशन, फिर डी वाई बाई डी एक्स का कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस दूसरा को छोड़ के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, वन का क्या होगा जीरो, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना, तो पहले वाई स्क्वायर पावर, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई, ये तो पावर का हुआ, पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम, फिर वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, टू डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते कितना हो जाएगा, वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां से टू और यहां से डी वाई बाई डी एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए टू डी वाई बाई डी एक्स से टू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए स्क्वायर वाई उधर प्लस का, अगर उधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से आपको ये प्रूव करना है। देखिए 19 का 2 सेम है, फॉर्मेट थोड़ा अलग करके दे दिया, एक्स इक्वल टू टेन वन बाई ए लॉग वाई, तो टेन को इधर ले लेते टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वन बाई ए लॉग वाई, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग वाई, इसको इधर से log y इक्वल टू ए टेन इनवर्स x। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी अगर log x इक्वल टू अगर y रह गया तो x इक्वल टू कितना होगा, अगर log हटाते हैं तो इधर जितना सारा टर्म रहेगा सब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e टू दी पावर y। अगर मान लीजिए कि कभी रह गया log x इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना होगा e टू दी पावर वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो वही चीज होगी, log y इक्वल टू ए टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर ए टेन इनवर्स x, और अभी बताएं cos इनवर्स x का, तो e टू दी पावर ए टेन इनवर्स x बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए टू दी पावर के टी cos pt प्लस अल्फा, और आपको प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस में टू के डी वाई बाई डी टी प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको टी स्क्वायर दिया, यहाँ टी दिया, मीन्स की डिफ्रेंसिएशन आपको टी के रिस्पेक्ट में करना, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिये डी वाई बाई डी टी अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, ए कॉन्स्टेंट है, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, साइन फिर पीटी का क्या होगा पी इंटू टी का वन और अल्फा का जीरो, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ई का क्या होगा ई ई और केटी, केटी का क्या होगा के इंटू टी का क्या हो जाएगा वन। इस प्रकार से ई के पावर केटी और ई के पावर केटी कॉमन ले लीजिए, रिजल्ट इतना बचेगा। आपको सेकेंड ऑर्डर चाहिए इसलिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ए कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, और फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ ए ई टू दी पावर के टी और यहाँ ई टू दी पावर के टी कॉमन मिल रहा है, तो बच क्या गया
देखिए p इंटू पी पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा और यहाँ पे कितना हो जाएगा k इंटू पी के पी ये वाला माइनस साइन पी टी प्लस अल्फा। फिर ये तो कॉमन ले चुके तो k बच गया, k से गुना कीजिएगा तो माइनस पी के साइन पी टी प्लस अल्फा और अगर इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, सेकंड डेरिवेटिव निकल गया, एलएचएस में दो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड डेरिवेटिव माइनस में 2k, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला और फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ पे y का वैल्यू पुट किया गया। अब देखिए यहाँ a e टू दी पावर kt, यहाँ a e टू दी पावर kt, a e टू दी पावर kt कॉमन मिल रहा है, a e टू दी पावर kt कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा और यहाँ पे केपी साइन पी टी प्लस अल्फा और यहाँ पे भी केपी है तो एक और एक दो हो जाएगा, माइनस टू पी के साइन पी टी प्लस अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा और ये कॉमन ले चुके तो माइनस टू के, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस टू पी के साइन पी टी प्लस अल्फा। लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए के और के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा, यहाँ ए टू दी पावर के टी कॉमन ले चुके हैं तो कॉस से गुना कीजिए कितना हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा और फिर के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा। देखिए ये आपका क्या है प्लस टू पी के साइन पी टी प्लस अल्फा और ये माइनस टू पी के साइन पी टी प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा प्लस का यहाँ माइनस का कैंसिल हो गया, ये के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा और के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस अल्फा एक और एक दो और दो में दो चला गया। इस प्रकार से सभी का सभी टर्म कैंसिल हो गया तो ए टू दी पावर के टी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आर एच एस आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अच्छे से क्वेश्चन है, y का पावर 1 बाई एम प्लस वाई का पावर माइनस 1 बाई एम इक्वल टू 2x दिया हुआ, y के पावर 1 बाई एम प्लस वाई के पावर माइनस 1 बाई एम इक्वल टू 2x दिया हुआ, तो आपको कुछ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, y के पावर 1 बाई एम प्लस वाई के पावर माइनस 1 बाई एम इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले समझिए कैसे सिंप्लीफाई करें, y के पावर 1 बाई एम ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या ए टू दी पावर अगर माइनस वन है तो इसको वन बाई ए टू दी पावर प्लस वन कर सकते हैं, तो ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस हो गया। अब वाई के पावर वन बाई एम को कुछ पल के लिए हम लोग के मान लेते हैं, एक सिंबल दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के और ये कितना हो जाएगा वन बाई के इक्वल टू टू एक्स। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा के, के स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स, कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स के, इसको इधर ले आए तो के स्क्वायर माइनस में टू एक्स के प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या दिख रहा है के पावर कितना है दो, तो क्या है क्वाड्रेटिक है किसके के रूप में, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन के रूप में ये क्या है क्वाड्रेटिक है, जब एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक रहता तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी बाई टू ये होता है, तो जब ये के रूप में क्वाड्रेटिक है तो के इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी बाई टू ये होगा। यहाँ a का वैल्यू कितना वन, b का वैल्यू कितना माइनस टू एक्स और c का वैल्यू कितना वन, पुट कीजिए यहाँ पे, पुट करने के बाद ये फोर अंदर कॉमन मिल रहा है तो फोर बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा टू और टू से डिवाइड कीजिए ये रिजल्ट आ जाएगा। ये तो k हम लोग कंसिडर किए थे तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, y के पावर वन बाई एम तो y के पावर वन बाई एम इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपके पास दो चॉइस है, आप प्लस को भी कंसीडर कर सकते हैं माइनस को भी कंसीडर कर सकते हैं, प्लस को कंसीडर करते हैं तो टेक पॉजिटिव आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, वाई के पावर वन बाई एम इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। और आप लोग जानते हैं जैसे देखिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा वन के पावर वन बाई टू, अगर इधर टू है उधर क्या हो जाता है वन बाई टू, इधर थ्री है तो उधर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, फोर तो वन बाई फोर, फाइव पावर में रहा तो सिक्स तो वन बाई सिक्स, और अगर इधर वन बाई सिक्स तो उधर क्या हो जाएगा सिक्स, अगर इधर सेवन तो उधर वन बाई सेवन, इधर वन बाई सेवन तो उधर सेवन, तो इधर वन बाई एम था तो उधर क्या हो जाएगा पावर में एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाई इक्वल टू आपका
एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल टू द पावर एम आ गया। अभी वाई का सिंप्लीफाई फॉर्म आया, सिंपल फॉर्म आ गया। वाई को अगर ये जो रिलेशन दिया था उसको सिंप्लीफाई किए तो एक रिलेशन आया वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल टू द पावर एम। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल पावर एम। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट कीजिए डीवाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या दिखा पावर, तो पावर को बाहर कीजिए उसके पावर में एक कम, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर एम माइनस वन, ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर पावर के बाद क्या डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स का क्या होगा वन, फिर रूट का क्या होगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स और वन का क्या होगा जीरो, ये टू से टू कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल पावर एम माइनस में वन है। इसको यहां लिखते हैं एक और एक माइनस वन को नीचे कर देते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल पावर वन। क्यों, देखिए अगर ए टू दी पावर एम माइनस में एन है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, प्लस वाले को ऊपर और माइनस वाले को नीचे के साथ, और सेम बेस तो यहाँ पे पावर कितना था एम माइनस में वन, तो एम प्लस वाले को ऊपर लिखे और सेम बेस के साथ माइनस वाले को नीचे लिखे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच रहा है ये एक्स वन प्लस एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए इसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एम, देखिए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल टू दी पावर एम, इसको क्या लिख सकते हैं वाई, और बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स, इतना हो गया। सोचिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू दी पावर एम को क्या लिख दिया गया वाई, वाई हो गया, एलसीएम लिया गया। देखिए ये अगर ये टू प्लस थ्री है तो ये थ्री प्लस टू है तो दोनों इक्वल होते हैं, कैंसिल हो गया, तब बच क्या गया dy by dx, dy by dx इक्वल टू एम वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी बताए कि अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद कभी भी अगर बटे में आता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, रूट में आता तो स्क्वायर कर लीजिए, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्यों आपको दो बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट, पहले पावर को बाहर कीजिए उसके पावर में एक कम, ये तो हुआ पावर का, फिर डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरा को छोड़ के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए टू एक्स प्लस जीरो एम स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू, पहले पावर बाहर उसके पावर में एक कम, ये तो वाई स्क्वायर का हुआ, फिर वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, देखिए टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टू और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई और टू डी वाई बाई डी एक्स, और टू डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल टू दी पावर एक्स, तो लॉग का प्रॉपर्टीज पहले अप्लाई करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं
कि पावर में रहता है, पावर वाला बाहर आ जाता है, तो एक्स है सो बाहर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। फिर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए एम बाई एन, अगर डिवाइड में रहता तो हमेशा वो माइनस में टूटता है, डिवाइड वाला किस में टूटेगा माइनस में, तो वाई इक्वल टू एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको गुणा कीजिए एक्स लॉग एक्स माइनस में एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स। अब आपको दो बार डिफ्रेंसिएशन चाहिए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो क्या इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट, माइनस कॉमन रहने दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट, तो लॉग का क्या हो जाएगा वन बाई ए प्लस बी एक्स, और फिर ए प्लस ए का क्या होगा जीरो, और बी एक्स का क्या होगा बी, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ए एक्स और एक्स कैंसिल, तो वन यहाँ लॉग एक्स यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस बी एक्स बाई ए, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, वन का क्या होगा जीरो, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, यहाँ डिवाइडिंग रूल अप्लाई कीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बी, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ए का जीरो और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, और यहाँ लॉग लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई ए प्लस बी एक्स, और फिर ए का क्या होगा जीरो और बी एक्स का क्या होगा बी। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए वन बाई एक्स यहाँ गुना कीजिए कितना हो जाएगा ए बी, और प्लस बी स्क्वायर एक्स, और माइनस में यहाँ पे बी एक्स इंटू बी बी स्क्वायर एक्स, और बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो माइनस बी बाई ए प्लस बी एक्स, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव तो निकल गया 1 बाई एक्स माइनस, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पहले दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा ए बी, लेकिन यहाँ एक था तो एक से गुना हो जाएगा बी इंटू, माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए प्लस है बीच में, बी इंटू ए प्लस बी एक्स, ए बी गुना कीजिए ए बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ए बी और ए बी कितना हो जाएगा टू ए बी, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका गुना इसके साथ एक्स इंटू ए बी और ए बी कितना टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको गुना कीजिए तो माइनस टू ए बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ए प्लस का, ये प्लस का ए माइनस का, बच क्या गया ए स्क्वायर और बाई एक्स इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो वन बाई एक्स, देखिए इसको ऐसे समझो कितना बच गया आपका ऊपर बच गया, ऊपर आपका बच गया ए स्क्वायर और बाई नीचे आपका बच जाएगा एक्स इंटू ए बाई नहीं एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इतना बच गया ऊपर आपका ए स्क्वायर बच गया, तो ए कुछ नहीं तो वन है, तो ये वन बाई एक्स को अलग कर दीजिए, वन बाई एक्स को अलग कर दीजिए और दोनों से स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। देखिए ए आपका एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ई टू दी पावर वाई बाई एक्स 23 का और में लिखा हुआ, दोनों सेम चीज है बस बताते कैसे, देखिए इसको बटे में लाइए कितना हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू कितना ए टू दी पावर वाई बाई एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर वाई बाई एक्स, आप लोग जानते हैं पावर वाला बाहर आ जाता है, तो वाई बाई एक्स इक्वल और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू कितना होता है वन, तो लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ गुना हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू वाई, फिर ये पावर बाहर चला जाएगा तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल टू दी पावर एक्स, सेम क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 23 तक आपका कंप्लीट हो गया, ट्राई कर लीजिएगा 23 तक, थैंक यू।